नींद कैसे कैसे करके गोरखपुर पहुंचने ही वाला था कि पार्टी फोन करता है, बोलता है कि गोरखपुर मंडी बंद है। मुझे पता था कि महाशिवरात्रि है आज और गोरखपुर मंडी बंद है। भाड़ा बता देता हूँ, जो लोग भाड़ा पूछते हैं तो भाड़ा हमको लगा था, पहले सीन बता देता हूँ क्या हुआ। अपनी गाड़ी चुनार में लोड हुई, चुनार में लोड हुई तो अपने को बोला गया कि गोरखपुर जाना है, तो अपन गोरखपुर के लिए निकले। पर जब 10 किलोमीटर गोरखपुर बचा था, वहाँ से क्या हुआ, गाड़ी बोला गया कि अकबरपुर आओ, और गोरखपुर से अकबरपुर की दूरी जो है वो 140 किलोमीटर। महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु, हमने गाड़ी वहाँ पर खाली की मुगल सराय में, गाड़ी वाड़ी खाली करके वहाँ से आए, और फटाफट वहाँ से टाइम ही नहीं मिला गाड़ी फटाक से खाली करना। खाली करने के बाद निकल जाना, निकल के आना सिर्फ लोडिंग पॉइंट पे, क्योंकि भाग भाग के आना था, हो गया था बहुत लेट। हु इज हियर? चीयर्स ब्रो। चीयर्स। तो भाई हम आराम से, क्या है ना कि आज कुछ गाड़ी में काम वगैरह करवाना था तो गए मस्त, उसके बाद घर पे आ गए थे। शाम को प्रदीप भाई फोन किया कि लोडिंग है जल्दी से आ जाओ। हमको पहले थोड़ा सा दिमाग में हम यार मन तो नहीं कर रहा, फिर हम सोचे भाई गाड़ी का किस... नहीं, एक बार बता दूं, बहुत आलसी आदमी है ये, जान नहीं रही आलसी वाला है। नहीं, 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 अकेले हम चलाते हैं प्रदीप भाई, अकेले चलाते हैं, आप ड्राइवर के साथ चलाते हैं। नहीं नहीं, गाड़ी चलाने कुछ देखिए, गाड़ी के रूल्स और गाड़ी के नहीं, काम के कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। ये बंदा को 7 बजे के बाद तुम फोन कर लो गाड़ी लोड करने के लिए, नहीं जाएगा। तुम दिन में फोन करोगे गाड़ी चले जाएगी, 7 बजे के बाद अचानक बोल दो गाड़ी चले, नहीं भैया ये कौन सी बात हुई। नहीं नहीं, ये माने नहीं, हम सोचे ना, नहीं आलसी वाली बात नहीं है, थोड़ा सा क्या होता है ना कि अजीबोगरीब लगता है कि अरे यार टाइम से मेरा गाड़ी लोडिंग होगा, कितने बजे छोड़ेगा। तो लेकिन अब ये क्या आदत, इनको बहुत सी आदतें मैंने डलवा दी है, क्योंकि देखिए काम करना है, कोई टाइम नहीं होता काम का, क्योंकि अपना धंधा ऐसा है। रात को अगर 11 बजे मुझे फोन आता है ना, अरे 1 बजे भी अगर मुझे 1 बजे मुझे फोन आया कि अरे खीरे की गाड़ी खराब हो गई है, पल्टी मार के जाओ मंडी, तो गए हैं अपने हाथ से पल्टी मारे हैं और जाके, तब ब्लॉग नहीं बनाते थे, नहीं दिखा देंगे, और हमारा वीडियो देख के लोग सीखेंगे भी कि हमने कैसे कैसे गाड़ी चलाई है। अभी रात का 11 बज चुके हैं। अभी हम लोग यहीं पे हैं, दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे, और यहाँ से भी आगे चलना है थोड़ा सा हमको। हेलो, मन किया कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो कोल्ड ड्रिंक भाई लेके आए। यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे तो सीधा अब हमारे हिसाब से मिलेंगे मंडी। हाँ, और कहीं मंडी नहीं, मिलेंगे अभी, इतना रात हो गया ना कि हम लोग कहीं खाना भी नहीं खा सकते, और गाड़ी खींचना है। और प्रदीप भाई एक टिप मार के आ भी रहे, इतना सुस्त है इनका ड्राइवर, आज कॉल भी नहीं उठाया। कॉल उठाया, बात हुआ था, वो बोले कि अपने दूसरे घर पे आ गए तो हम आ नहीं पाएंगे, तो प्रदीप भाई बोले कोई नहीं हम अकेले ही जा सकते हैं, तो हम लोग दोनों लोग हैं, मिल मिस के अपना चल लेंगे। 3 चक्कर मारने वाला बंदा 2 चक्कर मार सकता है, तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से आगे, अब सीधे मंडी में। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। तो गुरु फाइनली रुके खाना खाने के लिए, कल इसी टाइम खाना हम खाए थे, सिर्फ 3 रोटी, और कल से लेकर अभी तक कुछ भी नहीं खाए थे, वही जो खाए थे दोपहर को थोड़ा बहुत नाश्ता पानी वही, उसके बाद कुछ नहीं। तो दिखाते हैं क्या है अपना खाना, दाल रोटी भुजिया, झूठा खाना खिला रहे हो, कोई बात नहीं, झूठा खाने से मोहब्बत बढ़ता है। गुड मॉर्निंग सभी को महादेव, और सुबह हो चुकी है, आप सब समझ रहे होंगे कि मैं ऑन द वे हूँ अभी, और गाड़ी में ही हूँ और गाड़ी चल रही है। रात को वहाँ से 10 बजे निकले थे गोरखपुर के लिए, चुनार से लोड करके आपको पुल पे मिले ही थे, फिर हमने बताया था आपको मिलेंगे मंडी में, बट हुआ ये सीन कि हम गए तो ज़रूर, खाना वाना खा के निकले, पहुँच गए थे गोरखपुर 10 किलोमीटर पहले था, और एक तो भाई साहब नींद इतनी भयंकर ना, मतलब 2 बिस्लेरी की बॉटल पूरा धो, देखिए फेस मेरी चमक, मतलब मेरा फेस कितना चमक रहा है धो के, इतना रात भर मुंह धोया फिर भी नींद नहीं, इतना नींद। कैसे कैसे करके गोरखपुर पहुंचने ही वाला था कि पार्टी फोन करता, बोलता है कि गोरखपुर मंडी बंद है। मुझे पता था कि महाशिवरात्रि है आज और गोरखपुर मंडी बंद है, तो उन्होंने बोला मंडी बंद है, आपको जाना पड़ेगा अकबरपुर, और सुन के मेरा पारा गरम, कि मैं कितना खुशी से गया था कि सोऊंगा, पैसा मायने नहीं रखता, वो गोरखपुर से आने का हमको भाड़ा देंगे, बट अगर थका हूँ नींद लग रहा है तो भाई पैसा क्यों, क्या ही करूँगा। कैसे कैसे फिर मिला मुझे चाय, और मैं मीडियम भी पीछे ये आ रहा है वो भी,
और चाय मिला, चाय वाय पी के भाई निकले हैं। क्या ही बताए, मतलब आपको दिखा रहे हैं सुबह का व्यू। अभी सुबह के 7 बज गए हैं और अभी हम लोग जहाँ पे हमको जाना है अकबरपुर, अकबरपुर से कुछ ही किलोमीटर पहले हूँ मैं, 10 से 15 किलोमीटर पहले। तो पहले आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ, आगे का मतलब। तो देख सकते हैं हो चुकी है सुबह और यह है ओवरऑल सुबह का नज़ारा और बड़ा प्यारा लग रहा है। सुबह के 7 बज गए हैं तो अभी अपने को मंडी जाना है। गाड़ी की स्पीड देख सकते हैं कितना है और बस इतनी, इससे ज़्यादा जाएंगे नहीं क्योंकि सुबह हो गई है, बाइक वाइक वाले हैं। तो चलते हैं और मिलते हैं आप सभी से अकबरपुर मंडी में। और हम पहली बार जा रहे हैं अकबरपुर मंडी, इसके पहले हम कभी गए नहीं हैं। अब बीडीएम भाई तो बहुत बार गए हैं पर मैं गया नहीं हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से मंडी में। तो गुरु फाइनली पहुँच गए हैं हम मंडी और नींद लग रही इतनी तेज ना, मतलब परसों से जाग रहा हूँ अभी भी, पर इतना नींद मेरे को पहले नहीं लग रही थी, पता नहीं क्यों अभी इतना ज़्यादा नींद लगने लगना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी रात भर सोया हूँ, बिसलेरी की दो बोतल, पूरा मुंह धो के एकदम क्या ही बोलूँ। सुबह जब पहुँचे गोरखपुर गेम हो गया अपने साथ, अपने को बोला गया गोरखपुर चले जाओ। जब गोरखपुर गए 10 किलोमीटर रह गया तो फ़ोन आया कि नहीं गोरखपुर नहीं जाना है, आप चले जाइए अकबरपुर। भाई साहब 120 किलोमीटर वापस आए अकबरपुर, इधर 120 किलोमीटर वापस नहीं मतलब 120 किलोमीटर का इधर। तो देखिए भाड़े वाड़े में क्या होता है, अभी तो थोड़ा मचमच हो गई भाड़े को लेके, क्योंकि 7500 उधर जाने का तो होगा ही होगा, यहाँ का 120 किलोमीटर का जो भाड़ा होता है तो भाड़ा तो नहीं लेंगे क्योंकि छोड़िए अब उसमें डीजल का पैसा लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं कितना देते हैं। तो चलता हूँ सोने, फिर मिलता हूँ अब आप सभी से। सो के उठने के बाद भी गाड़ी दिखाऊंगा खाली हो रही, मंडी दिखा देता हूँ आपको। देख सकते हैं अकबरपुर मंडी है, इधर भी है और पीछे अपनी मेरी गाड़ी खाली हो रही है इधर। तो अभी जब मैं सो के उठूँगा तब आपको दिखाऊंगा क्योंकि नींद बहुत तेज़ आ रहा है इसलिए। तो चलिए सो के उठता हूँ फिर मिलता हूँ आप सभी से। तो गुरु फाइनली अपनी गाड़ी खाली हो चुकी है और हम सो के उठ चुके हैं। देखे तो अपनी गाड़ी खाली हो गई थी, गए भाड़ा वाड़ा लेके भी आ गए और भाड़ा ले लिए। हमारे अजय भैया जो थे, हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि उनसे मिलाएंगे, तो वो एक्चुअली चले गए वहीं से, बस्ती चले गए। तो अभी बस्ती से वो टांडा आ रहे हैं, टांडा आ रहे तो जाएंगे अपन उनको टांडा लेने, टांडा से लेके फिर चलेंगे अपन घर पे बनारस। और आज महाशिवरात्रि है, मेरा बैड लक कि मैं आज शिव जी से नहीं मिल रहा हूँ, नहीं मिल रहा हूँ क्या, मिलूंगा ही रात को 11 बजे घर पहुँचूंगा तो भी मंदिर जाऊँगा, तो मंदिर तो जाऊँगा चाहे जय बजे पहुँचूँ, क्योंकि मंगलवार भी है आज। और आज मैं बाहर हूँ सिर्फ हमारे ड्राइवर साहब की वजह से सारी चीज़ें हुई हैं, वो आए होते तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, हम भी गए होते बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए होते, मस्त गंगा जी नहाए होते, संकट मोचन दर्शन करते, हनुमान जी से मिलते, बट कुछ हुआ नहीं। पर कोई बात नहीं, भगवान जब बुलाएंगे तो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से चलते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से आगे। तो गुरु फाइनली मंडी से बाहर निकल चुके हैं और अब यहाँ से अपन जाएंगे टांडा, क्योंकि टांडा जाना है और भैया को लेके फिर घर जाएंगे। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं फिर मिलते हैं अब आप सभी से आगे। हम निकल ही गए हैं, निकलते हैं क्या मतलब, अब देखिए कहाँ मिलते हैं आप सभी से। चलिए यहाँ से चलते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग टांडा, टांडा मैं वेट कर रहा हूँ अजय भैया का। तो अजय भैया आ भी गए हैं, सामने दिखा रहा हूँ आपको। तो देख सकते हैं बाइक से हमारी तरफ आते हुए अजय भैया, अब इनको लेके चलना है बनारस। ये रहे भैया हमारे पीछे। बहुत समय लगेगा। तो चलिए भैया को बिठाते फिर यहाँ से निकलते फिर मिलते हैं आप सभी से आगे। तो गुरु टांडा से निकल के आके डायरेक्ट अभी पहुँच चुके हैं हम, क्या बोलते हैं ये अपना चोला पूरे वाराणसी हाईवे पे आ गए। यहाँ से 22 किलोमीटर वाराणसी है मतलब बनारस। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे और राइट लेंगे, जब पांडेपुर वाले रोड पे पहुँचेंगे वहाँ से राइट लेके चलेंगे राजा तालाब, और अजय भैया का घर है थोड़ा आगे वहीं पे कहीं पे, तो वहाँ पे उनको छोड़ेंगे। और छोड़ने के बाद जो है हम चलेंगे घर। तो ये देख सकते हैं चोलापुर है ये जगह जो है, धरसौना चोलापुर। और ये हाईवे पहले एक टाइम पे सिंगल रोड हुआ करता था और आने जाने बड़ा तकलीफ़ होती थी, और यहीं ट्रक वाले रात को भी यहाँ पे ट्रक वाले परेशान करते हैं, तो मतलब हम लोग तो पास ही नहीं लेते, इतना ट्रक वाले रहते हैं ना क्या ही बताएं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से आगे। तो ये पहुँच गए हम लोग पांडेपुर ब्रिज के पास, और यहाँ से राइट लेंगे मतलब दाहिने हाथ मुड़ेंगे, और दाहिने मुड़ के सीधे पहुँच जाएंगे हरौआ, और वहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ट्रक वाले, देखिए ऐसे दिन में तो ट्रक वाले ऐसे हैं, रात को तो और ही ज़्यादा होता है, मतलब क्या ही बोलना इन लोग को भाई, ट्रक वालों का अलग ही सीन है।
तो ये हम घूम गए और चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे और फिर मिलते हैं आप सभी से। देखिए अब कहाँ पे, तो गुरु ये पहुँच गए हम दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे। ये दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे है और शाम के बज गए हैं 4:30। देख सकते हैं व्यू कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ से सीधे जाएंगे अखरी बाईपास और वहाँ से चलेंगे रोड पे ही भैया को छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद पहुँच जाएंगे हम लोग वो लोडिंग पॉइंट पे। वहाँ पे थोड़ा सा मुझे काम है क्योंकि वहीं से घर जाऊँगा लोडिंग पॉइंट के पास से ही। तो चलिए अब मिलेंगे आप सभी से आगे लोडिंग पॉइंट पे, क्योंकि बीच में अब थोड़ा दूर बचा है, ज़्यादा दूर है नहीं। ये हाईवे बढ़िया है अपना यार, मतलब देखिए सब अपने लेन में चलेंगे। एक लेन में बड़ी गाड़ी, एक मतलब सबका अपना लेन फिक्स है, कोई एक में कोई दूसरे में, पर कोई लाइन से बाहर नहीं जाएगा इधर उधर। पास लेना होगा, जिसको जगह मिलेगा तो पास लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, सब अपने लाइन में। ये हाईवे है बहुत, मतलब पहले ये बड़ा वो हुआ करता था, ये हाईवे भी ठीक नहीं, लेकिन इधर आपको मोहनिया से, मोहनिया नहीं मतलब चंदौली तक ये हाईवे ठीक मिलेगा, चंदौली के बाद गड़बड़। तो गुरु फाइनली अजय भैया को छोड़ के मैं वापस से लोडिंग पॉइंट पे आ चुका हूँ। तो घबराने की कोई बात नहीं, लोडिंग पॉइंट पे गाड़ी लोड नहीं होगी, हम गाड़ी लोड करने नहीं आए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा माल है, 5 ठो एक लोग लेके आ रहे हैं, वो 5 ठो माल और आगे 1 ठो 10 ठो है, वो 15 ठो छोड़ेंगे। छोड़ के हम जाएंगे वहाँ पे घर चले जाएंगे। तो पहले ये काम करना है अपने को, फिर उसके बाद मंदिर जाना है। तो पहले ये काम करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। गुड मॉर्निंग सभी को, महादेव। हो चुकी है सुबह और हम आ गए हैं घर पे। कल रात को ही आए और बताए थे आपको वीडियो में कि लोडिंग पॉइंट पे गए और अपनी गाड़ी जो है वो थोड़ा भैया का माल था तो माल उनको पहुँचा के बज गया 9 वहीं। और घर पे आया, मंदिर भी नहीं जा पाया, कल शिवरात्रि था, बिना नहाया ऐसे ही दरिद्र जैसे रह गया। तो अभी चल रहा हूँ नहा धो के, फिर मंदिर जाऊँगा। कल मंगलवार था, मंगलवार को भी नहीं गया यार। और क्या बोलते हैं कि भाड़ा बता देता हूँ, जो लोग भाड़ा पूछते हैं। तो भाड़ा हमको लगा था, पहले सीन बता देता हूँ क्या हुआ। अपनी गाड़ी चुनार में लोड हुई, चुनार में लोड हुई तो अपने को बोला गया कि गोरखपुर जाना है, तो अपन गोरखपुर के लिए निकले। पर जब 10 किलोमीटर गोरखपुर बचा था, वहाँ से क्या हुआ, गाड़ी बोला क्या कि अकबरपुर आओ, और गोरखपुर से अकबरपुर की दूरी जो है वो 140 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर बचा था तो 130 किलोमीटर हम वापस आए। वापस आके फिर अकबरपुर में गाड़ी खाली की, वहाँ खाली करके तो भाड़ा 7500 रुपये तो चुनार से गोरखपुर का हो गया। और उसके बाद जो है हम लोग को मिला 2500 रुपये एक्स्ट्रा, अरे 2500 बोल रहा हूँ, 2500 नहीं, 1500 रुपये एक्स्ट्रा मिला खाली डीजल का। तो 1500 और 7500, 9000 रुपये टोटल भाड़ा मिला था। बस यही था, क्या ही बोलना। तो बट आज जाएंगे, इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।